हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आई एम योर होस्ट राजदीप सिंह। आज के इस ब्लॉग में हम जा रहे हैं शिमला की खूबसूरत वादियों और उनकी बेहतरीन स्पॉट्स को एक्सप्लोर करने के लिए। तो इस ब्लॉग में हम देखेंगे शिमला की बस स्टेशंस को और तातापानी और कुफरी को। ये शिमला का इंटरस्टेट बस टर्मिनल है। हमने अपनी यात्रा की शुरुआत दिल्ली से की थी। दिल्ली से शिमला के लिए कई प्रकार की बसेस अवेलेबल हैं। यदि आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो कालका से शिमला के लिए एक टॉय ट्रेन भी चलती है जो बेहद मनमोहक है। जो सामने जो दृश्य आप देख रहे हैं ये शिमला सिटी बस स्टैंड है। आपको शिमला इंटरस्टेट बस टर्मिनल से शिमला सिटी बस स्टैंड तक आना होगा, उसके बाद आप अपने डेस्टिनेशन तक जा सकते हैं। इस सीढ़ियाँ जो आप सामने देख रहे हैं मॉल रोड की तरफ जाती हैं जो काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है। अभी हम जा रहे हैं तातापानी की तरफ जो कि लगभग 52 किलोमीटर की दूरी पर है, जैसा कि आप सामने बोर्ड पर देख पा रहे हैं। यदि आप न्यू दिल्ली से यहाँ विजिट करना चाहते हैं तो इसकी दूरी लगभग 355 किलोमीटर की होगी और इसीलिए बेहद ही पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है शिमला। और यही कारण है यहाँ पर आपको हर प्रकार के यातायात के साधन भी मिल जाते हैं। यदि आप अपनी बाइक हायर करके ट्रैवल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। कई टूर्स एंड ट्रैवल शॉप्स भी हैं जहाँ पर आप टैक्सी हायर करने की व्यवस्था भी आपको मिलेगी। आप चाहें तो अपनी टैक्सी बुक करके यहाँ के टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। जगह जहाँ हम जा रहे हैं ये तातापानी है, जिसे हॉट स्प्रिंग भी कहते हैं। पुराने समय में एक ठंडे पहाड़ी क्षेत्र में एक हॉट स्प्रिंग का होना एक वरदान से कम नहीं था। आज तातापानी वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के लिए फेमस है, जहां आप जेट स्की के साथ साथ बोट राइड्स का भी आनंद ले सकते हैं। तातापानी में कई प्रकार के रिजॉर्ट्स, होटल्स और रेस्टोरेंट्स भी मौजूद हैं और यहाँ पर एक मंदिर भी मौजूद है। शिमला के आसपास का पूरा इलाका बेहद ही खूबसूरत वादियों से घिरा हुआ है। चारों तरफ हरियाली, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और गहरी वादियों में सिमटा हुआ शिमला बेहद ही मनमोहक है। इसके बाद हम बढ़ चले कुफरी की ओर। ये जो जगह सामने आप जो देख पा रहे हैं कुफरी हॉर्स स्टैंड है, जहां से आपको कुफरी जाने के लिए घोड़े मिलते हैं। हॉर्स स्टैंड से कुफरी टिकट पॉइंट तक की दूरी लगभग 2 से 3 किलोमीटर की है और वहां तक जाने का शुल्क घोड़ों का 700 रुपये है, जो कि आने और जाने दोनों तरफ का होता है। ये कुफरी का हॉर्स ड्रॉप पॉइंट है, यहाँ से आपको आगे पैदल जाना होगा। ये टिकट काउंटर है जहां पर सफाई शुल्क के नाम पर 25 रुपए का टिकट लिया जाता है। टिकट काउंटर से आगे बढ़ने के बाद आपको कुछ इस तरह के नज़ारे देखने को मिलते हैं। ये याक है जिसके साथ लोग फोटो खिंचाने में बिल्कुल नहीं झिझकते। बेहद ही मासूम जानवर जो काफी अनूठा सा लगता है। कुफरी में प्रवेश करते ही जो पहला पॉइंट है वो ये महासू पीक है। इस महासू पीक पर एक व्यू पॉइंट है जहां पर आप कुफरी की वादियों का आनंद ले सकते हैं। यहां पर दूरबीन भी लगा रखी है जिससे आप दूर पहाड़ियों के दर्शन भी कर सकते हैं।
यहाँ से हम बर्चले जीप स्टैंड की तरफ जो कि हमें ले जाएगा एप्पल ऑर्चर्ड के लिए। जीप स्टैंड से एप्पल ऑर्चर्ड के लिए जो जीप जाती हैं, इनकी जो दूरी ऑर्चर्ड के लिए वो लगभग 800 मीटर के आसपास है। सामने जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये कुफरी फन वर्ल्ड है जो उस समय बंद था। ये बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा फन स्पॉट है। कुछ ही देर में हम पहुंच गए एप्पल ऑर्चर्ड के एंट्रेंस गेट पर। यहाँ पर भी टिकट लगता है जो लगभग 100 रुपये पर व्यक्ति है। इस एप्पल ऑर्चर्ड में कई प्रकार के एडवेंचर एक्टिविटीज भी आप कर सकते हैं, जैसे बंजी जंपिंग, रोप वॉकिंग और रैपलिंग। एंट्री टिकट के प्राइस में आपको एक फन एक्टिविटी कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगी। हमने जो चूज की वो रैपलिंग थी। नेट से ढके हुए जो पेड़ आप देख रहे हैं, ये एप्पल ट्रीज हैं जिसमें एप्पल्स लगे हुए थे। यहाँ पर भी आपको कई प्रकार के रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे जहाँ बैठकर आप प्रकृति के नज़ारों का आनंद भी ले सकते हैं और अपने भोजन का भी। सामने जो स्पॉट आप देख रहे हैं, ये रैपलिंग पॉइंट है जहाँ पर आप एक लंबी कतार देख सकते हैं जो रैपलिंग का आनंद लेने वाले लोगों से भरी हुई है। ये सामने आप रोप वॉकिंग और अन्य प्रकार के एडवेंचर एक्टिविटीज देख पा रहे होंगे। कुफरी हर एज के एडवेंचर लवर के लिए एक बेहतरीन स्पॉट है। महासू पीक पर ही मौजूद है महासू नाग देवता का मंदिर, जो अपने आप में एक व्यू पॉइंट भी है तथा धार्मिक आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र भी। शिमला में हमारे पहले दिन की यात्रा यहीं समाप्त होती है। यहाँ से लौटने के बाद हम शिमला मॉल रोड गए जहाँ पर हमने अपने होटल की व्यवस्था कर रखी थी। तो मिलते हैं आपसे शिमला के अगले ब्लॉग में। हम आपको ले जाएंगे कुछ अन्य डेस्टिनेशंस पर, कुछ अन्य जगहों पर और उन खूबसूरत स्थानों पर जहाँ आप शिमला में खो जाएंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए नमस्कार। इफ यू लाइक माय वीडियो, काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच कंटेंट।